उदल राजा स्टूडियो प्रेजेंट्स। यदि नारायण के मारने चालिया वो ब्राह्मण, हरे हरे, अब चलिया रे पालना के पास दादा भाई। हो प्रेजेंटिंग बाय उदल राजा स्टूडियो। Presenting by उदल राजा स्टूडियो। देव धर्मराज की हो जदे चारू ब्राह्मण उसी समय मन में विचार करे, अरे के साडू गुजरी तो जल भरने के लिए गई तांबासर की बावड़ी के पास। जब तक अपनों का लाल के मारी के आवा और धन लैला अप्रम पारणी गुजर गोट के माय, ये हो
पहलो ब्राह्मण उसी समय नारायण के पास पहुंचे तो नारायण ऐसी लीला बतावे, आज बूढ़ो आदमी बनी के बैठो ना पालना के माए जदे पहलो ब्राह्मण चालतो चालतो पाछो ब्राह्मण के पास आवे और ब्राह्मण से केवे के देखो ब्राह्मण देवता अपन तो साधु जी का लाल के मारने के लिए आया अपन, परंतु साधु जी को बाला खाई नहीं होना पालना के माए जय हो, वहां तो एक बूढ़ो आदमी बैठो ओके कई मारा रे यानी बखत के है आइए। दूसरो ब्राह्मण बोलियो के नहीं, आपने अच्छी तरह से नहीं देखा होगा, मैं जाऊं और साधु जी का लाल के फोरन मारी के अम्मानी बखत के माए जय हो। जदे दूसरो ब्राह्मण जाबे तो वही ग्यारहवीं कड़ा को नाथ माता साधु को लाल ऐसो करिश्मो बतावे जवान को रूप धारण करे अनी बखत के माए जय हो। वही भी ब्राह्मण फिर चलता चलता आ गया, ब्राह्मण से केवा लागो के देखो ब्राह्मण देवता वहाँ कहाँ है साधु जी को लाल, जय हो वहाँ तो एक जवान आदमी बैठो के कई महारानी बखत के है। तीसरो ब्राह्मण बोलियो कि आपने अच्छी तरह से नहीं देखियो, मैं जाऊं और साधु जी का लाल के फोरन मारी के आऊं अनी बखत के है। जदे लोभी ब्राह्मण थो, उसने चारू ब्राह्मण को कहा कि आपने अच्छी तरह से नहीं देखियो, मैं स्वयं जाऊं और साधु जी का लाल के फोरन मारी के आऊनी बखत के आइए। आए जब नारायण के मारने के लिए गया तो नारायण ने ऐसो करिश्मो बतायो जय हो, चारू ब्राह्मण के आंधा कर दिया और चारू ब्राह्मण के ऐसी पाटला की मार मारने लग्या तो चारू ब्राह्मण के वही गोठी नगर से जाने की तैयारी करे नी तो आज रस्तो नी पावे अनी बखत के है। इतरा में माता साधु गुजरी चालती चालती जल भर कर आगी गुजर गोट के माए, माता साधु की नजर चारू ब्राह्मण के ऊपर पड़ी, चारू ब्राह्मण के केवा लगी और चालती चालती पहुंची नारायण के पास। नारायण से केवा लगी के देख रे लाला सुन महारा मन की बात ते सुन ले ध्यान लगाई के क्यों है ना ब्राह्मण उनके मारे, अरे लाला ब्राह्मण के मारने को घनो पाप दोष लागे जय हो, और तू कर रियो गजब की बात रहनी बखत के आइए। जदे माता साधु गुजरी बोली के देख लाला अगर जो मारो दूध दायो होई नी तो ना चारू ब्राह्मण के छोड़ दे और जैसा का जैसा कर दे तो गणी अच्छी बात बन जावे। जदे आज नारायण ने जल का छाटा लख्या, चारू ब्राह्मण को सही साठ करिया और चारू ब्राह्मण नारायण के पांव लग्या, माता साधु के चरणों में पड़ जावे। जदे माता साधु गुजरी चारू ब्राह्मण से कई केवा लगी के देखो ब्राह्मण देवता आज ते आप मारा लाल के मारने के लिए आया हो नी, मैं आपको शराब देती हूँ कि कदी आपके गुजर को जायो मुंडो नहीं देखेगा क्योंकि यानी बखत के है। हीरा दासी बोली के माता साधु गुजरी हाथा जोड़ी बिनती था के नम नम लागू पाए, आप सुनो महारा मन की बात ते सुन लो ध्यान लगाइए, आप ऐसा शराब अगर दोगा तो है नी गुजर का जाया को कुल को कौन काम करेगा नी बखत के माये, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण होवे माता, अगर जो ब्राह्मण को कार्य कौन करेगा। जदे माता साधु गुजरी ने वापस अपना शराब जो दिया था वापस लिया और माता साधु गुजरी ने कही केवा लगी के देखो ब्राह्मण देवता 13-14 अम्मास का दिन मत आइया जो अगर गुजर को जायो कहीं भी आपके मार देगा नहीं तो आपके शराब नहीं लगेगा नहीं, आपके उनके शराब नहीं लगेगा नहीं बखत के माये। चारू ब्राह्मण वहां से चलिया, रण का राव जी के मालम पड़ी तो रण को राव जी नीब देव प्रयार से कहीं के बहा। देखिए चौबीस गुरुदेव ने प्रसंग बताया कि ब्राह्मण देवता को मारेंगे,
वो कोई ब्राह्मण नहीं थे। इस कथा के प्रसंग से देखो, ब्राह्मण तो पूजनीय है इस संसार में, जो देवता है तो ब्राह्मण तो सर्वप्रथम पूजनीय है। वो ब्राह्मण के रूप में राक्षस थे। आप ये मत समझना कि ब्राह्मण को ही मारा था, ब्राह्मण को श्राप दिया था, लेकिन वो ब्राह्मण के वेश में आए थे, इसलिए ब्राह्मण का नाम लेकर उनको श्राप दिया। कोई ऐसा ना समझे कि ब्राह्मण तो पूजनीय है। देव धनि दरबार जय हो। जदे रण को राव जी उसी समय कही नीमदेव परियार ने केबे है हाँ। और कहीं आगे बात बने और कहीं लीला धर्मराज की हो जावे। Presenting by Utkal Raja Studio। ठाकुर तू